लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। तेईस अगस्त मंगलवार को रजनी लोहिया का दूसरी आंख के ग्लूकोमा यानी कि काली मोतियाबिंद का ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक एम्स में हुआ। इस ऑपरेशन में करीब 70,000 से 75,000 का खर्चा आया, जिसे शनिवार 20 अगस्त को पुष्कर राज पार्की द्वारा कागजी कार्रवाई कर आयुष्मान कार्ड के जरिए निःशुल्क करवाया गया। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह से डीडीहाट विधानसभा के जौरासे क्षेत्र के ननकुड़ी गांव की 25 वर्षीय रजनी दिल्ली स्थित एम्स के राजेंद्र प्रसाद नेत्र विभाग में भर्ती है। पिछले कई दिनों से ग्लूकोमा की वजह से रजनी अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो चुकी है। नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर शेखा गुप्ता की टीम की निगरानी में रजनी का इलाज चला। पिछली बार की तरह इस बार भी K24 न्यूज के वरिष्ठ संपादक पुष्कर राज पारखी और अमन फाउंडेशन के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता अमन खड़ायत रजनी के ऑपरेशन के दौरान एम्स में उनके साथ मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि डीडीहाट के सामाजिक कार्यकर्ता लवि कफलिया और K24 न्यूज ने रजनी मुहिम चलाई थी। इस मुहिम में अमन फाउंडेशन ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। सभी प्रदेशवासियों ने उत्तराखंड की इस बेटी की सहायता की और करीब 2,00,000 का फंड जमा करवाकर रजनी का दिल्ली एम्स अस्पताल तक का सफर तय किया। दिल्ली में अमन खड़ायत और पुष्कर राज पारखी ने रहने के लिए उत्तराखंड सदन में व्यवस्था करवाई और रजनी के आंखों के काली मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाया। K24 न्यूज के वरिष्ठ संपादक पुष्कर राज पारखी और सामाजिक कार्यकर्ता अमन खड़ायत ने इस मुहिम से जुड़े सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त किया। साथ ही एम्स में कार्यरत महेंद्र सिंह बिष्ट जी से मिलकर उनका विशेष आभार व्यक्त किया। पुष्कर राज पारखी और अमन खड़ायत का कहना है कि उनके संज्ञान में प्रदेश की एक और बेटी बबीता आर्या, पुत्री स्वर्गीय मोहन राम निवासी अटल गांव चौबाटी का पैरालिसिस होने का मामला भी सामने आया है, जिस पर दोनों ने एम्स में काफी लोगों से उनके इलाज के लिए चर्चाएं की। रजनी लोहिया की तरह ही बबीता आर्या की भी मुहिम लवि कफलिया द्वारा ही शुरू की गई है। लवि कफलिया ने परिजनों के घर जाकर हालात का जायजा लिया। थैली भी लगी हुई है तो यही पर इनका एक बहन की जिंदगी एक बेटी की जिंदगी पूरी की पूरी सिर्फ एक गद्दे में रह चुकी है। आज इस जिंदगी को उभारने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जिसके लिए हम आप सभी लोगों से आर्थिक सहायता चाहते हैं। इस प्रकार से रजनी बहन के लिए आप सभी लोगों ने, जोराशी के समस्त जनता ने और सभी सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी ने सहयोग किया था और यही मुहिम हम जहां एक बहन रजनी का आप सभी ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया तो हमारी बबीता बहन के लिए भी आप सभी सहयोग करें और अभी से इस मुहिम को करें और जल्दी से जल्दी हम अपनी बबीता बहन को भी एम्स पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं कि बहन बिल्कुल भी हिल नहीं पाती, तो पट्टा ना हिली ने जिसके इतना उसका शरण भी सोती कैसे परिवार की स्थिति ठीक न होने के कारण आप लोगों से पुनः अनुरोध है कि आप लोगों ने जिस प्रकार रजनी के इलाज के लिए भरपूर सहयोग दिया, ऐसे ही बबीता के लिए भी दिए गए अकाउंट नंबर पर आर्थिक मदद करें ताकि रजनी की तरह ही बबीता का भी सफलतापूर्वक इलाज हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट K24 न्यूज। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।